दोस्तों, अपना प्यारा भारत मुस्लिम देशों के साथ ट्रेड और बिजनेस को बढ़ाते जा रहा है। भारतीय कंपनियां रूस को छोड़कर के यूएई से ऑयल इंपोर्ट कर रही है। इसके अलावा भारत ने सऊदी अरब और ईरान से भी डील किया है। अभी की एक और बड़ी खबर यह है कि भारत यूएई से जो गोल्ड इंपोर्ट करता था उस पर यूएई ने डिस्काउंट ऑफर किया है। इसके अलावा भारत से इंडियन करेंसी में पेमेंट एक्सेप्ट करने वाला यूएई पहला देश है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे भारत और मिडिल ईस्ट कंट्री के बीच में ट्रेड बढ़ता जा रहा है, यूएई ने गोल्ड इंपोर्ट पर कितना डिस्काउंट ऑफर किया है, क्या भारत यूएई से ज्यादा मात्रा में गोल्ड इंपोर्ट करेगा। स्वागत है आपका बीएस मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूँ विकास। दरअसल दोस्तों, भारत सबसे ज्यादा गोल्ड स्विट्जरलैंड से खरीदता है। उसके बाद आता है यूएई, जो कि भारत को सबसे ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट करता है स्विट्जरलैंड के बाद। साल 2022 में भारत और यूएई ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किया था, जिसका मोटिव था दोनों देशों के बीच में अलग अलग सेक्टर में ट्रेड और बिजनेस को बढ़ाना। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत 2024 में 140 टन सोना सिर्फ यूएई से खरीदने वाला है। दरअसल दोस्तों, मेन रीजन ये है कि यूएई अपने गोल्ड पर 15% इंपोर्ट ड्यूटी लगाने वाला था, लेकिन अब यूएई ने अपना फैसला चेंज कर दिया है और वो 15% नहीं बल्कि 14% इंपोर्ट ड्यूटी के साथ गोल्ड सप्लाई करेगा। तो भारत को 1% का छूट मिला है। अब आप बोलोगे, भाई 1% छूट में क्या होगा? तो आपका कहना भी सही है कि अगर हम किसी दुकान में जाते हैं, कोई शर्ट या जींस खरीदते हैं, तो उसमें 15-20% का छूट मिलता है। लेकिन गाइस, यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज ये है कि किस चीज में छूट मिल रहा है। सोना, जींस शर्ट की बात अलग है, सोना बहुत महंगा होता है। सोना और डायमंड में अगर 1% का छूट मिल जाना, मतलब बहुत छूट मिल जाना। अभी भारत में एक भर सोने का कीमत 30-40 हज़ार के बीच में होगा, उसमें अगर 1% का छूट मिल रहा है तो ये काफी ज्यादा छूट है। पर भारत यूएई से 1-2 किलो सोना नहीं खरीदेगा, 140 टन सोना, समझ रहे हैं आप, 140 टन, दिस इज द वेरी बिग अमाउंट। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इससे भारत को बहुत फायदा होगा। भारत यूएई से रॉ मटेरियल खरीद सकता है और उससे गोल्ड की ज्वेलरी बना करके वापस यूएई को सप्लाई कर सकता है, क्योंकि यूएई ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किया है। इसलिए भारत यूएई में अपने गुड्स फ्री में बेच सकता है। और सिर्फ यूएई ही नहीं बल्कि कई ऐसे देश हैं जहां पर गोल्ड से बने हुए ज्वेलरी को भारत एक्सपोर्ट करता है, जिससे भारत को काफी ज्यादा फायदा भी होता है। आपको बता देगा इसकी गोल्ड रिजर्व ज्यादा होने से फॉरेन रिजर्व बढ़ता है। जिस देश के पास जितना ज्यादा सोना स्टोर होगा, उसका करेंसी डॉलर के मुकाबले उतना ज्यादा मजबूत होगा। अगर भारत ज्यादा से ज्यादा सोना स्टोर करेगा तो डॉलर के कंपेरिजन में हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। गोल्ड रिजर्व की बात करें तो आप ट्रेडिंग इकोनॉमिस्ट की लिस्ट देख सकते हैं, सबसे ज्यादा गोल्ड अमेरिका के पास है, इसलिए अमेरिका का जो करेंसी है डॉलर, ये सबसे आगे है। उसके बाद जर्मनी, इटली, फ्रांस और रूस जैसे देश हैं। इस लिस्ट में अपना प्यारा भारत 9 नंबर पर आता है। हमारे पास 801 टन गोल्ड रिजर्व मौजूद है। वहीं भारत 2024 में 140 टन इंपोर्ट करेगा और गोल्ड। इसके अलावा भारत सबसे ज्यादा गोल्ड स्विट्जरलैंड से मंगाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत का जो गोल्ड रिजर्व है वो 2025 आते आते 1000 टन हो जाएगा। लेकिन सोचने वाली चीज ये है कि इसके बाद भी हम अमेरिका से 8 गुना पीछे हैं, क्योंकि अमेरिका के पास 8000 टन गोल्ड रिजर्व मौजूद है। हाँ, बट ये चीज हमारे लिए अच्छी है कि हम आगे ग्रो कर रहे हैं, डाउन नहीं जा रहे हैं। अगर भारत का हर साल 200 टन का गोल्ड रिजर्व बढ़ेगा तो हम काफी आगे निकल जाएंगे। इसके अलावा एक और बड़ी खबर ये आ रही कि सऊदी अरब के माडेन में सोने का भंडार मिला है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2022 में सऊदी अरब की सरकार ने माइनिंग का काम शुरू किया था, पर फाइनली ये कंफर्म हो चुका है कि सऊदी अरब के माडेन इलाके में सोने का भंडार है और अब वहाँ की गवर्नमेंट जल्द से जल्द गोल्ड की माइनिंग स्टार्ट करने वाली है। और अपना प्यारा भारत यूएई के साथ साथ सऊदी अरब के साथ भी बड़ा डील कर रहा है। भारत की कई ऐसी कंपनी है जो सऊदी अरब में मौजूद है। अभी हाल ही में सऊदी अरब ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट भारत को ऑफर किया है। भारतीय कंपनियां L&T ने इस डील को फाइनल किया है। आने वाले टाइम में भारत सऊदी अरब से भी ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट करेगा। अगर यूएई की तरह सऊदी अरब भी डिस्काउंट ऑफर करेगा तो हम सऊदी अरब के माइन से निकला हुआ गोल्ड भी इंपोर्ट करेंगे। हमारे यहाँ कई कंपनियां हैं जो इन गोल्ड से ज्वेलरी बना करके बेचती है और अच्छा मुनाफा कमाती है, जिससे भारत के इकोनॉमी को बड़ा फायदा होता है। ओवरऑल तो उस कंपनी को फायदा होता है, लेकिन सोने चांदी पर सरकार जो GST लेती है वो भी काफी ज्यादा होता है, जो सीधे भारत सरकार के राजकोष में आता है, जिसका यूज भारत के विकास में लगाया जाता है। इसके अलावा उस कंपनी के पास भी अगर पैसा है तो वो पैसा भारत का कहलाएगा, उसकी काउंटिंग भारत के GDP में होगी और हमारा GDP ग्रो करेगा। आई होप कि गाइस आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे। अगर आप ऐसे ही भारत के ग्रोथ के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, क्योंकि भारत की हर एक ग्रोथ, भारत की हर तरक्की की खबर सबसे पहले मैं आपके पास लाता हूं। और यही हमारा उद्देश्य है कि भारत की हर एक ग्रोथ की अपडेट आपके पास हो। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।